हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल लर्न पाइथन विद कॉम्पाउंड। सो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कई सारे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में, और इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कुछ फर्दर स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, उसके बाद में हो गया जॉइंट, उसके बाद में है स्प्लिट, और ऐसे कई सारे फंक्शंस के बारे में जो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो पिछली वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, इट्स रियली नाइस वीडियो। तो बात करते हैं इस वीडियो के अलग अलग फंक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो का पहला फंक्शन है अपर केस, लोअर केस एंड स्वाइप केस। ये क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और मुझे उसके केसेस को चेंज करना है, तो उसके लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे सारे के सारे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं फंक्शन लगाऊंगा अपर केस, या फिर मुझे कोई स्ट्रिंग को पूरी तरह लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसे लिखूंगा लोअर केस फंक्शन के अंदर। लेकिन सपोज मुझे मेरे केसेस को स्वैप करना है, जैसे मेरी कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ है अपर केसेस, कुछ है लोअर केसेस, और मुझे अपर केसेस को लोअर केसेस में कन्वर्ट करना है और लोअर केसेस को अपर केसेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं वहां पे लिखूंगा स्वैप केस। तो ऐसे टाइम पे हम स्वैप केस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर कि हम ये तीनों फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है लर्न पाइथन विथ, जो मैंने लिखा है लोअर केस में, कॉम पॉइंट जो मैंने लिखा है कैपिटल केस में, तो मुझे यहाँ पे अब मेरे केसेस को चेंज करना शुरू करना है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट इन ब्रैकेट स्ट्रिंग डॉट अपर केस। अब इस फंक्शन को प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो कैपिटलाइज हो गया। अब मुझे क्या करना है कि सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट str डॉट लोअर केस। प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कॉम पॉइंट जो कैपिटल में था वो भी लोअर केस में आ गया। अब मुझे मेरे समझ करते हैं कि स्वैप केस करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा जो मेरा लोअर केस है उसको मैं स्वैप केस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वही हो रहा है, प्रिंट str डॉट स्वैप केस। और अब प्रिंट करके देखते हैं, तो देखिए लर्न पाइथन विथ जो लोअर केस में था वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया, और कॉम पॉइंट जो कि अपर केस में था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से हम हमारे स्ट्रिंग के साथ में केसेस के मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद का हमारा फंक्शन है मीन मैक्स फंक्शन। अब जैसा हमने इंटीजर के अंदर मीन मैक्स फंक्शन देखे थे, जिसका मतलब था कि हमारे पास में कोई सीक्वेंस है जैसे कि लिस्ट है या टपल है, उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सर्च करने के लिए हम मीन लिखते थे, और सबसे बड़े एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम मैक्स लिखते थे। यही चीज हमारे स्ट्रिंग में भी होता है, हम मीन का इस्तेमाल करते हैं सबसे छोटे कैरेक्टर को सर्च करने के लिए, और मैक्स का इस्तेमाल करते हैं हम सबसे बड़े कैरेक्टर को सर्च करने के लिए। तो एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, str यानी कि स्ट्रिंग के अंदर लिख लेते हैं लर्न पाइथन विद कॉम पॉइंट। अब मुझे इसमें का सबसे छोटा एलिमेंट सर्च करना है, सबसे बड़ा एलिमेंट सर्च करना है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है y और सबसे छोटा एलिमेंट है a। तो प्रोग्राम रन करके देखते हैं कैसे करना है, प्रिंट इन ब्रैकेट मैक्स, उसके अंदर जो ब्रैकेट है उसमें हमें स्ट्रिंग की वैल्यू डालनी है, यानी स्ट्रिंग हमारा पैरामीटर जैसा काम करेगा, इसमें स्ट्रिंग डॉट नहीं लगाना पड़ता है। उसके बाद में लिख लेते हैं हम स्ट्रिंग इन ब्रैकेट मीन इन ब्रैकेट हमारी स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। अब प्रिंट करके देखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा वाई ए, सॉरी यहाँ पे खाली, ओके यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ली है उसके अंदर ए से भी छोटा एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, जो है हमारे स्पेसेस। मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे स्पेसेस को कट कर देता हूँ, और अब इस फंक्शन को प्रिंट करके देखते हैं, तो यस वाई ए आ गया। लेकिन अब ऐसा करते हैं एक स्पेस डाल के देख लेते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे स्पेस डालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, वाई और एक खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह नहीं है वैसे वो स्पेस है। तो इस तरह से हम हमारे सबसे बड़े कैरेक्टर और सबसे छोटे कैरेक्टर को हमारी स्ट्रिंग में फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद का हमारा फंक्शन है जॉइन फंक्शन। अब जॉइन फंक्शन क्या होता है मैं वो बताता हूँ। जैसे कि आपके पास में कोई लिस्ट है और वो लिस्ट के अंदर सारे के सारे हमारे पास में स्ट्रिंग डाल रखी है हमने, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिस्ट बना लेते हैं, और उसके अंदर कीबोर्ड के सारे जितने भी ऊपर के नंबर है वो सारे हम डाल देते हैं, जैसे कि आपका हो गया Q, W, E, R, T, उसके बाद U, I, ये जितने भी ऊपर के नंबर है, जितने भी ऊपर के कैरेक्टर है मैंने इसमें डाल दिया। अब ये अलग अलग एलिमेंट है और सारे की सारी स्ट्रिंग है। अब सपोज मुझे
इस लिस्ट को एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी एलिमेंट है सबको बाहर निकाल के ज्वाइन करना पड़ेगा, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं ज्वाइन फंक्शन का। तो ये कैसे काम करेगा वो देखते हैं। सपोज मुझे ये सारे कैरेक्टर को स्पेस के साथ ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरी स्ट्रिंग डिफाइन करूंगा str, और इस str के बीच में मैं स्पेस डाल दूंगा, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है जो इन सारे एलिमेंट्स को एक स्पेस के साथ में ज्वाइन करेगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रिंट इन ब्रैकेट str.join, उसको भी ब्रैकेट कर देंगे, और अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो आपको दिखेगा क्यू डब्ल्यू ई आर टी, उसके बाद ये जो भी एलिमेंट है इन सबके बीच में एक एक गैप के साथ में, लेकिन आपको एक स्ट्रिंग मिल गई, करेक्ट। अब हम इसका दूसरी तरह से देखते हैं कि अगर मुझे जो इसके बीच में जो स्पेस है इसमें मुझे समझो कॉमा लेना है, तो ये जो मैंने str डिफाइन किया है, तो जिसमें मैंने स्पेस डाल रखा है, मैं उसमें कॉमा ले लेता हूं। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं, तो आप देखोगे क्यू डब्ल्यू ई आर टी के हर एलिमेंट के बीच में कॉमा 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 आ गया। अब डॉलर लेके देखते हैं, मेरी मर्जी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे str में डॉलर साइन डाल देता हूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबके बीच में डॉलर आ गया। तो इस तरह से हम ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद का इस वीडियो का सबसे लास्ट फंक्शन जो है स्प्लिट फंक्शन। अब स्प्लिट फंक्शन क्या होता है, तो ये ज्वाइन फंक्शन का उल्टा होता है। जैसे कि हमने एक लिस्ट को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से ज्वाइन किया, उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो स्प्लिट क्या करता है, इसी जैसे जो हमने एक स्ट्रिंग बना रखी है उसमें से हम एक स्पेसिफिक डिलिमिनेटर उठा लेते हैं। डिलिमिनेटर यानी कि जहां से मुझे मेरी स्ट्रिंग को काटना है, वो जो हमारा डिलिमिनेटर है वो वहां से हम क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रिंग के टुकड़े निकाल लेते हैं। यानी कि हम पहले वो डिलिमिनेटर को डिलीट करेंगे और उसके बाद में उनके अलग अलग टुकड़े बना देंगे और वो टुकड़ों को लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। ये काम करता है हमारा स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन के होते हैं दो पैरामीटर, पहला तो हम वो डिलिमिनेटर बताते हैं, दूसरा कि मुझे कितने डिलिमिनेटर काटने हैं। अब ये क्या होता है मैं आपको प्रोग्राम में बताता हूं। स्ट्रिंग ले लेते हैं लर्न पाइथन विद कॉम पॉइंट, और मुझे समझो कि पी को डिलिमिनेटर बनाना है। अब पी को डिलिमिनेटर बनाने का मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग में मेरे पास में है 3 पी, तो मुझे मेरे पी को डिलिमिनेटर करना है, यानी कि पहले मैं पी को डिलीट करूंगा और जो दो टुकड़े बनेंगे उनको अलग अलग लिस्ट में डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं वो देखते हैं, प्रिंट str डॉट स्प्लिट इन ब्रैकेट स्ट्रिंग में ले लेते हैं पी और प्रिंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे टोटल 4 एलिमेंट जनरेट हुए लिस्ट के अंदर। पहला तो है लर्न स्पेस, उसके बाद में है पाइथन का पी छोड़ दो तो वो python हो जाता है, तो वो वाला पाइथन विथ कॉम com, यानी कि दूसरा हिस्सा। उसके बाद में आया एक स्पेस, क्योंकि कॉम्प का जो पी है और उसके बाद का जो पॉइंट का पी है उसके बीच में स्पेस है, तो ये खाली स्पेस भी जनरेट होगी हमारी एक एलिमेंट, और उसके बाद में पॉइंट का पी तो छोड़ दिया हमने ONT, यानी कि पॉइंट, तो ये हमारे 4 एलिमेंट बन गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी पी है सारे के सारे डिलीट हो गए, लेकिन सपोज मुझे सिर्फ पहले 2 ही पी डिलीट करने के, तो जो मेरा पॉइंट है मुझे जैसा वैसा रखना है, तो मैं क्या करूंगा, तो जो हमारा ये प्रिंट जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसमें हम दूसरा पैरामीटर ऐड करते हैं जिसको लिखते हैं comma लेके 2। अब comma लेके 2 लेने के बाद क्या होगा, प्रिंट करते हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि उसने पाइथन का पी डिलीट कर दिया, उसके बाद में जो मेरा कॉम है उसको भी उसने डिलीट कर दिया, लेकिन जो पॉइंट का पी है उसको उसने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कमेंट क्या डाली है कि सिर्फ मेरे 2 पी को ही आपको डिलीट करना है, तीसरे पी को तो बेटा धक्का भी नहीं लगाना, तो उसने वही किया। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, सपोज मुझे सिर्फ पहला वाला जो मेरा पी है पाइथन का बस उसको ही काटना है, यानी कि मुझे 2 एलिमेंट ही बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे comma लेके 1 कर दूंगा। और अब हम इसे प्रिंट करते तो आपको दिखेगा लर्न स्पेस, पहला टुकड़ा पाइथन का पी छोड़ दिया उसने python, यानी कि जो भी उसका उच्चारण होगा तो मैं उसको बोलता हूँ python with com point, तो वो उसने सेकंड पार्ट बना दिया। तो स्प्लिट फंक्शन ज्वाइन का उल्टा काम करता है, और हमें कौन से डिलिमिनेटर से डिलीट करना है उसको हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, और मुझे कितने डिलिमिनेटर डिलीट करने हैं यानी कि मुझे मेरे कितने एलिमेंट बनाने के हैं या फिर मेरे स्ट्रिंग के कितने टुकड़े तोड़ने हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा दूसरे पैरामीटर का कितना नंबर रहेगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में बात करी कुछ बेसिक फंक्शन जो हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये स्ट्रिंग पैकेज है या जो भी हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है उसमें सिर्फ इतने मैनिपुलेशन है, इसके अलावा बहुत सारे मैनिपुलेशन है जैसे इंडेक्स, फाइंड, आर इंडेक्स, आर फाइंड एंड मच मोर, जो कि आपको www.python.org पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो आप जितना ज्यादा इन फंक्शंस का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है इंक्रीज होंगी। तो जाइए देखिए, वहां पे आपको और भी ज्यादा इंप्रूव्ड फंक्शन भी मिलेंगे। सो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे विथ नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ पाइथन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हे रुको, जाने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा रखा है और बेल आइकॉन भी फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल। और देखिए यहाँ पे कुछ वो वीडियोस जो मैंने इससे पहले पढ़ाए हैं, एंड चेक द आई कार्ड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आप पाइथन से रिलेटेड किताबें खरीदना चाहते हैं सो सी इन द डिस्क्रिप्शन, आई हैव गिवन अ लिंक फॉर द बुक्स। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड स्टार्ट कोडिंग विद पाइथन, इट्स रियली फन।